रोधई ग्राम पंचायत का गोपालपुरा नाम का गांव, जहां के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। वहां पे एक पानी का साधन था जो एनीकट योजना में आने के कारण अब नहीं है। 1.5 किलोमीटर दूर गांव से एक तालाब है जिसमें दलित परिवार के 70 घरों को दलदल युक्त तालाब में से गंदा पानी पीना पड़ रहा है। ये कितने दिन पहले से चल रही है आपके यहाँ पे ये दिक्कत? जो पानी 8-9 साल हो गए, 1-2 किलोमीटर दूर से लाते हैं साफ पानी पीने के लिए और नहाने के लिए। गंदा पानी है तालाब में, पास में आंगनबाड़ी के पास वहाँ से लाते हैं नहाने के लिए। तालाब का पानी कैसा है? इतना गंदे पानी पी रहा है, बीमारी हो जाता है, ऐसा बन जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, खुजली हो जाए, सब हो जाए। पूरी कार्रवाई हर प्रशासन के लिए, वार्ड बॉक्स में रह सब के लिए, नहीं है नहीं है सब के लिए एप्लीकेशन की, लेकिन कोई प्रशासन कोई सुनवाई नहीं की। तो काफी समय से पानी के लिए तरस रहे थे। मैंने उस समस्या का वीडियो बनाया और संबंधित अधिकारी से मिली, उनको उस समस्या से अवगत कराया। उसके कुछ समय बाद में वहां पर टैंकरों से सप्लाई की जा रही है। पहले क्या क्या समस्याएं थी आपकी और वो कैसे समाधान हुआ आपकी समस्या का? पहले पानी नहीं था, गंदा पानी, तालाब का पानी पीते थे गंदा। आपने ये टैंक भेजा था, एक टैंक से पानी से दो सौ होता तो क्या है, लेकिन पीने के लिए तो एक एक बर्तन आ जाता है। ये टैंक कितने दिन में आता है आपके यहाँ पे? तो रोजाना आता है एक टैंक पानी के लिए, लोग लड़ते हैं लेकिन एक एक बार सबको आ जाते हैं, पी लेते हैं लोग। अब तो पूरे गांव को मिल रहा है ना पानी? पूरे गांव को मिल रहा है, फिर भी बेंजी दो टैंकर आएंगे तो पूरे गांव को मिल जाएगा, और दो टैंकर नहीं आएंगे तो पूरे गांव को पानी नहीं मिलेगा। इस हमारी बड़ी टंकी बनी है, इसको लेन जुड़वा दो नल की, वहाँ से जरूर व्यवस्था हो जाएगी हमारी। यहाँ से तो साल लड़ाई होगी, दिन रात बहुत मुंह फूटे में, अब पता ही पानी हाथ नहीं आवे, खूब आ जाओ खूब नहीं आवे, लड़ाई बहुत हो। ये तो हमारे वीडियो बनाने के बाद में एक छोटा सा ही बदलाव है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस गांव के लोगों को स्थायी रूप से व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हमेशा के लिए इनकी समस्या का हल निकल सके। जिसमें जलदाय विभाग के अधिकारी का नंबर है 9414197333। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।